हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर, अ जर्नी ऑफ लर्निंग टू एक्सेल योर अर्निंग्स। जो भी नए लोग हैं उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। और जिनको भी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन से दिए हुए लिंक से ज्वाइन करेंगे, नहीं तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। तो बात कर लेते हैं कल की मार्केट कैसी रह सकती है। पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की, फिर बात करेंगे निफ्टी की। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, हमने ट्रेड लिया यहाँ से 45,320 से, और आप लोगों को मैंने 400 के आसपास सेल करने के लिए कह दिया था इसी कैंडल पे। और उसके बाद मार्केट ने पूरा रोलर कोस्टर बनाया, लोगों को पैसा नहीं दिया होगा और सबके स्टॉप लॉस हिट किए होंगे। और मैंने एक चीज़ लिखी थी टेलीग्राम पे कि जो आपको 3 PM की कैंडल जीरो हीरो करने के लिए बोलता है ना, उसको छोड़ दो, आप सुखी रहोगे। हाँ, मैं तो एक ट्रेड बोलता हूँ, 3 ट्रेड तो मैंने ही दे दिए आप लोगों को। कूल होके ट्रेड लो, क्या दिक्कत है। स्टॉप लॉस फिक्स रखो, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा भी होता है, 2 में प्रॉफिट आया, डबल आया, जो हमें चाहिए वो आया। अगर 15 रुपये स्टॉप लॉस दे रहे हो और अगर आप 150 रुपये ले रहे हो तो आपको क्या चाहिए लाइफ में। कल की बात करता हूँ मार्केट कैसी रहेगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है भाई लोग, तो ज़्यादा लंबा वीडियो मैं कर नहीं पाऊँगा। मार्केट क्लोज हुई है कहाँ पे, 45,384 पे, जो सेटलमेंट के बाद में प्राइस आया है, जो आपको दिखेगा वो दिखेगा 45,440, बट 45,384 पे सेटलमेंट के बाद में क्लोज आया मार्केट का। अब कल के लिए क्या रह सकता है, पहली तो रेजिस्टेंस यही है। अगर डाउनसाइड के लिए मान लिया 45,280 के नीचे, जो आपका स्टॉप लॉस था 45,280 के नीचे ट्रेड शुरू करेगा, रनिंग कैंडल में ट्रेड लेना, आपको टारगेट 45,161 तक का मिल सकता है आराम से। और उसके बाद में इसको ब्रेक करता है तो 45,056 यहां तक मार्केट आपको मिल सकती है। और डाउनसाइड के लिए अगर और नीचे जाती है मार्केट तो हम ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कस कर लेंगे। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,940 से लेके 44,854, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ जैसे मार्केट रिवर्स कर सकती है, सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे कल आपको कहा था, जो आज हमने ट्रेड लिया ये सेम सिनेरियो मैं आपको कल बता चुका था वीडियो में, देखना आपने है, फॉलो आपने करना है। 3,000+ लोग हैं टेलीग्राम पे, आपको वीडियो देखने में दिक्कत है, अगर आपको टिप्स ही चाहिए ना तो कोई फायदा नहीं है यार लाइफ में। फिर सेम वीडियो बताता हूँ, प्रैक्टिस करो, पेशेंस के साथ ट्रेड करो, 2 ट्रेड लो, कहीं भी ले सकते थे आप। आपने अपसाइड का लिया, डाउनसाइड का लिया, डजंट मैटर, पर आपको ट्रेड देती है मार्केट। लेवल्स हैं जहाँ पे होता है उसको रिस्पेक्ट करती है मार्केट। डाउनसाइड के लिए यही है, यहाँ से ट्रैप हो गया, ट्रैप कर मतलब यहाँ पे आती है मार्केट, इसके बीच में हॉल्ट लेती है, तो अपसाइड के लिए रिवर्स हो सकती है। कल के लिए टारगेट बोल रहा हूँ मैं। और अपसाइड के लिए अगर जहाँ पे क्लोज हुई है वहाँ रेजिस्टेंस है 45,455 के पास में, इसके ऊपर सस्टेन करती है आपको इमीडिएटली बेसिस पे टारगेट मिलेगा 695,696। अगर मान लिया मार्केट 45,455 के ऊपर सस्टेन करती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, तो आपको इमीडिएटली बेसिस पे टारगेट मिलेगा अपसाइड का 45,696। इसको ब्रेक करेगी तो आपको 45,852, अगर इसको ब्रेक करती है सस्टेन होती है तो आप अपसाइड को आपको टारगेट मिल सकता है 45,900 से लेके 950 तक, 45,900 से लेके 950 तक, जो मंडे का क्लोज था उसके बॉटम तक मिल सकता है आपको अपसाइड का टारगेट। डाउनसाइड के लिए मैं बता दिया आपको, इस हडल के बीच में से रिवर्स हो सकती है मार्केट अगर सडन फॉल भी आता है, ठीक है। और बाकी इसके नीचे रिवर्सल आता है मैं नहीं भी बता पाता हूँ लेवल, तो ये लेवल्स हमने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आप एज अ स्टडी अपने सामने रखा करो इन लेवल्स को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बात कर लेते हैं आप निफ्टी की, कल कैसे रह सकती है मार्केट। क्लोज कहाँ पे हुई है, हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे, एक में 60 पॉइंट कैप्चर करे और एक में 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक ट्रेड करा था हमने बैंक निफ्टी में, जिसमें हमें 80+ पॉइंट का टारगेट हमें मिला। निफ्टी क्लोज कहाँ पे हुआ है, निफ्टी क्लोज हुआ 19,901 के पास में, जो सेटलमेंट के बाद में आया है, इमीडिएटली 19,910 के नीचे रेजिस्टेंस लेके क्लोज हुआ है। कल मान लिया मार्केट ओपन होती है, एकदम से कैंडल जाती है ऊपर, वो ट्रैप करेगी,
अवॉइड करना उस कैंडल को। सस्टेन करने के बाद में अगर मान लिया प्राइस एक्शन बनाती है तो अपसाइड के लिए टारगेट है 19,942 और 19,990.76, जो लेवल कल के थे वही हैं ये, और अपसाइड के लिए 20,080 रह सकता है अपसाइड के लिए मैक्सिमम। अगर मान लिया मार्केट में चेंज होता है तो ड्यूरिंग द मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और डाउनसाइड की बात कर लेते हैं, ये प्रेशर बना हुआ है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने शुरू के ही एक घंटे में ब्रेक कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, यानी कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कल के वीडियो में बताया था 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है। मैंने एक लेवल बताया था आपको 19,610, वो लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है नेक्स्ट वीक में, तो आप ये थोड़ा सा दिमाग में रखना क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, पर हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, कोई पोजिशनल ट्रेड अभी नहीं ले रहे हैं हम फिलहाल। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इतना नोट करना है कि अगर मान लिया इसके ऊपर सस्टेन होते हैं, अपसाइड का ट्रेड ढूंढोगे और आपका पहला टारगेट 19,942, 19,990, 20,060 और 20,080 मैक्सिमम अपसाइड के लिए। डाउनसाइड के लिए बात करेंगे तो डाउनसाइड के लिए मान लिया यहीं पर रेजिस्टेंस लेता है, पहला टारगेट आपका पेंडिंग है, अब ये उधारी पे है क्योंकि यहाँ तक मार्केट आई है, नीचे यहाँ तक आ सकती है 19,865, इसको ब्रेक करेगा तो आप 19,829 और 19,810 के बीच में डाउनसाइड के ट्रेड से एग्जिट कर जाओगे आप। अगर मान लिया प्राइजेक्शन यहाँ से अपसाइड का बनेगा तब आप अपसाइड का प्लान करोगे, ब्रेक करके सस्टेन करती है मार्केट डाउनसाइड के लिए तो आपको 19,784 भी दिखाएगा और 745, जैसे 19,784 के आसपास आ गया, आपने ट्रेड लिया डाउनसाइड का, आपको मान लिया 19,745 दिखा रहा है और 19,730 के बीच में कहीं भी आती है तो आप एग्जिट कर जाओगे ट्रेड से बिना किसी लालच के। लेवल आपके सामने है, अगर आप मेरे को मान लिया अपना भाई मानते हो, मेंटर मानते हो, रूल्स को फॉलो करो, स्टॉप लॉस हिट होता है एग्जिट करो, गलती हो सकती है किसी से भी, हम भगवान नहीं है, मार्केट सुप्रीम है, स्टॉप लॉस हिट होता है बाय चांस निकल जाओ, ये मत बैठे रहो होप में यार कि चलो कोई बात नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। और बाकी एक स्टॉक मैं आपको बताता हूँ आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, वो है HDFC में बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, अगर आपको कल HDFC 1558 के आसपास कहीं भी मिलता है इस एरिया में, इस जोनर में, तो आप बाई कर सकते हैं, अपसाइड के लिए आपको 4-5% का अपसाइड मूव दे देगा, स्लो है पर दे देगा। मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ना कि ऑप्शन में कूद जाना आप लोग। भाई लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार और कमेंट कर दिया करो, वही मेरे लिए लाइक और कमेंट ही आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है। सो, इतना ही रखते हैं वीडियो में कल के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी टेंशन है और लर्निंग मेरी टेंशन है। बाय बाय, टेक केयर।